हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत में। फ्रेंड्स, आज किसी भी प्लांट की केयर शेयर नहीं करूँगी। मैंने कुछ शॉपिंग किए थे प्लांट्स के, तो मैंने उस टाइम पे आप लोगों से शेयर किया था इसके रेट्स और प्लांट्स के नाम भी शेयर किए थे। फ्रेंड्स, तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग एक्चुअली कर ली है सारे प्लांट्स की, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ रिपोर्टिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, और ख़ास तौर से उन बिगिनर्स के लिए, गार्डनर्स के लिए जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं गार्डनिंग, उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आप लोग जब उस सारे टिप्स फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अनफॉर्चुनेटली, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था फ्रेंड्स, तो मेरे बहुत सारे प्लांट्स तो इसी चक्कर में ख़राब हो गए, क्योंकि मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था उस टाइम पे कि प्लांट्स की रिपोर्टिंग कैसे करें, इसकी पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं, वाटरिंग कैसे करें और सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो फ्रेंड्स मैं अब पहले दिखा दूं आप लोगों को, ये देखिए, ये मैंने क्रिसेंथमम है, इसे मैंने प्लास्टिक के पॉट में ही लगाया है, और ज़्यादातर प्लांट्स को मैंने फ्रेंड्स मिट्टी के पॉट में लगाया है, क्योंकि मिट्टी के पॉट्स जो होते हैं प्लांट्स के लिए बेस्ट होते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप जब भी आप शॉपिंग करते हैं प्लांट्स की, तो अच्छे प्लांट्स लें, हेल्दी प्लांट्स खरीदें। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अनहेल्दी प्लांट कभी भी ना खरीदें अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको प्लांट सस्ते तो मिल जाएंगे लेकिन घर लाने के बाद आप लगाओगे, फिर कुछ दिनों के बाद वो प्लांट्स फॉर श्योर मर ही जाएगा फ्रेंड्स, वो बचेगा नहीं, क्योंकि वो प्लांट बिल्कुल अनहेल्दी है। तो आप अच्छे प्लांट्स लें, कुछ पैसे और लगाएं लेकिन अच्छे प्लांट्स लें, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आगे जाके। तो सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट टिप है गार्डनर्स के लिए फ्रेंड्स, की वेल ड्रेन पॉट लें। पॉट सबसे अच्छा मिट्टी का पॉट माना जाता है प्लांट्स के लिए, तो मिट्टी के पॉट्स को ही आप लिया करें पॉट प्लांट लगाने के लिए, तो उसमें अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट्स की। दूसरी बात, अगर आपके पास मिट्टी का पॉट नहीं है, आप सीमेंट में भी लगा सकते हैं, वो भी दूसरा अच्छा ऑप्शन है। तीसरा फ्रेंड्स, प्लास्टिक सबसे लास्ट ऑप्शन रखें। प्लास्टिक प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता उतना, हालांकि मेरे ज़्यादातर प्लांट्स जो है प्लास्टिक पॉट्स में मैंने लगाए हैं, लेकिन केयर करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा उसमें, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, पानी जल्दी ड्रेन आउट नहीं होता और प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो प्लास्टिक पॉट लास्ट ऑप्शन रखें, हमेशा मिट्टी के पॉट में ही लगाएं, सीमेंट पॉट यूज़ करें इस, और वेल ड्रेन पॉट लें। इसके बाद मैं बताऊं पॉटिंग मिक्स के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, वो एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो भी अवेलेबल है आपके पास, तो वो तीनों चारों चीज़ों मिला के, चीज़ों को मिलाकर आप उसकी पॉटिंग मिक्स बनाएं फ्रेंड्स। रेत डालने से जो पॉटिंग मिक्स है फ्रेंड्स, वो अच्छी बन जाती है, पानी नहीं रुकता और मॉइस्चर भी बना रहता है पॉट्स में, तो प्लांट्स के लिए वो अच्छा होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। उसके अलावा जब आप प्लांट्स लेके आते हैं फ्रेंड्स, तो उसे लाते के साथ उसकी रिपोर्टिंग ना करें, आप उसे ऐसी एरिया में रखें जहाँ पे आप उसे लगा के रखने वाले हैं, तो लाने के तुरंत बाद उसे कभी भी रिपोर्ट ना करें, क्योंकि प्लांट्स भी आदमी की तरह, हम लोगों की तरह फ्रेंड्स, अगर हम लोग अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह, अगर हम लोग अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमें भी वहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, तो वैसे ही सेम चीज़ प्लांट्स के साथ भी होती है, वो एटमॉस्फेयर तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाता, दूसरे एटमॉस्फेयर में सडनली नहीं एडजस्ट कर पाता, तो उसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है हम लोगों की तरह फ्रेंड्स, तो इसलिए थोड़ा दो चार दिन उसे अपने घर में जहाँ लगाना हो वहाँ पे उस एरिया में रख दें, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। उसके बाद आप उसकी रिपोर्टिंग करें। तो रिपोर्टिंग, पॉटिंग मिक्स मैंने बता दी है, रिपोर्टिंग के लिए पॉट का भी मैंने सिलेक्शन कैसे करें वो मैंने बता दिया फ्रेंड्स। तो आप तीन चार दिन के बाद फ्रेंड्स आप इसकी रिपोर्टिंग करें इन सारी चीज़ों को मिलाकर। और हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि जो प्लांट लगे होते हैं वो बहुत ही हार्डी मिट्टी में लगे होते हैं, चिपचिपी मिट्टी में लगे होते हैं, तो आप उसे लाके वैसी रूट बॉल के साथ उसे ना लगा दें,
क्योंकि प्लांट वो अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हालांकि प्लांट नहीं मरता आपका, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद फ्रेंड्स, एक लंबे टाइम क्या बोलूँ कि 3-4 महीने के बाद ही हो सकता है प्लांट आपका ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए। तो ये रिस्क ना लें, आप उसका रूट बॉल साफ़ करें। लेकिन आप बिगिनर्स हैं, आपने स्टार्ट किया है, तो आप, मैं आपके लिए सबसे अच्छा टिप्स ये बताऊं कि आप उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अगर वैसी चिपचिपी मिट्टी वाला आपका रूट बॉल या गमले वाली मिट्टी, वैसी हार्डी मिट्टी है, तो आप उसे आधे बकेट पानी में रूट बॉल को डुबा के उसका पॉली बैग या गमले से निकाल के उसको बड़े आराम से, धीरे हल्के हाथों से, ताकि उसका रूट ना टूटे, प्लांट डैमेज ना हो। अगर आपने बहुत ही रफ वे में उसे निकाला है, उसके रूट्स टूटे हैं, तो प्लांट मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बड़े आराम से करें ये सारे काम। और निकालने के बाद फ्रेंड्स, पानी में जब आप डाल देते हो 1-2 घंटे के लिए, तो वो जो चिपचिपी मिट्टी, हार्डी मिट्टी होती है, वो थोड़ी सी लूज होने लगती है, आप देखेंगे। तो आप बड़े हल्के हाथों से उसके नीचे का जो 20%, जो नीचे के रूट बॉल का जो नीचे 20% मिट्टी है, वो आप निकालें, सिर्फ साफ करें। बाकी जो ऊपर की मिट्टी है वो वैसे ही रहने दें, और फिर आप उसको प्लांट करें पॉट्स में, तो वो बहुत अच्छी सी ग्रोथ करेगा। लेकिन कभी भी उसके पूरे रूट बॉल को, पूरी मिट्टी ना साफ करें फ्रेंड्स, वरना प्लांट फॉर श्योर मर जाएगा या फिर शॉक में चला जाएगा। और शॉक में जाने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं फ्रेंड्स कि प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है। तो ये सारे टिप्स आप फॉलो करें तो मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग से रिलेटेड मैंने सारी जो अच्छे टिप्स थे, इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जो प्लांट्स के लिए फ्रेंड्स, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया है। और उसके बाद वाटर करें अच्छे से रिपोर्ट करने के बाद, तब तक पानी उसमें डालें जब तक नीचे से पानी लीक आउट ना हो जाए, निकल ना जाए। उसके बाद दोबारा उसे तभी पानी डालें जब उसे ज़रूरत हो, उसकी मिट्टी सूख जाए। ज़्यादा पानी कभी भी ना डालें, ओवर वाटरिंग कभी ना करें किसी भी प्लांट में। तो मुझे लगता है मैंने सारे इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों से शेयर कर ली है। पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स।